तो भारत पाकिस्तान में क्रिकेट का कोहराम मचेगा अब हर साल। पीसीबी अध्यक्ष रमेश जाजा करने जा रहे हैं बड़ी पहल। सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के फैंस बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट लवर के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब ये खुशखबरी क्या है, जहां अब इंडिया और पाकिस्तान की टीम हर साल आमने सामने हो सकती है, एक शानदार टक्कर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमेश जाजा ने एक मास्टरमाइंड प्लान तैयार किया है इन दोनों ही देशों को आमने सामने लाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा चेयरमैन रमेश राजा ने एक शानदार प्लान तैयार किया है। जी हां, जो कि फोर नेशन सीरीज करवाने के लिए, जहां चार देशों के बीच हर साल एक T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम भी खेलेगी। तो इन चार टीमों के बीच सुपर सीरीज करवाने का प्लान तैयार किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को आईसीसी के सामने रखने वाला है आईसीसी की अगली मीटिंग में। तो क्या वाकई हर साल एक शानदार T20 सुपर सीरीज होगी इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन चार जबरदस्त टीमों के बीच में, या फिर नहीं? आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। तो भारत पाकिस्तान में क्रिकेट का कोहराम मचेगा अब हर साल। पीसीबी अध्यक्ष रमेश जाजा करने जा रहे हैं बड़ी पहल। जी हां, भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के दो चिर प्रतिद्वंदी, जिनके आमने सामने होने से क्रिकेट का स्टेडियम जंग के मैदान जैसा दिखने लगता है, रोमांच हद पार करने लगता है, पलके झपकती नहीं है और नजरें हटती नहीं है। भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिश्तों का असर दोनों देशों के क्रिकेट पर भी खूब पड़ा है। जो घमासान 90 के दशक में आम था, अब वो गाहे बिगाहे सिर्फ आईसीसी या फिर एसीसी के इवेंट्स में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कोई भी सीरीज यानी कि द्विपक्षीय सीरीज क्रिकेट संबंधों पर वैसा ही ताला लगा है, जिसके चलते अब भारत पाकिस्तान हर साल खेलते दिखें। इसके लिए पीसीबी चीफ रमेश जाजा बड़ी पहल करने जा रहे हैं। वो आईसीसी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं, जिसे अगर मान लिया गया तो भारत और पाकिस्तान हर साल T20 खेलने के बहाने क्रिकेट के मैदान पर टकराएंगे। पीसीबी अध्यक्ष रमेश राजा एक सुपर सीरीज का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं, जो साल में एक बार होगा। इसमें चार टीम शिरकत करेंगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान शामिल होंगी। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भारत पाक प्रतिद्वंदिता को फिर से जिंदा करने के मकसद से पीसीबी चीफ रमेश राजा आईसीसी की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को रखेंगे। अब आईसीसी के सामने अपने इस प्रस्ताव को पेश करने की जानकारी रमेश राजा ने खुद दी है, जो ऐसे सीरीज को टक्कर देगी, ये सुपर सीरीज जो इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर साल खेली जाएगी। जहां आईसीसी के सामने अपने इस प्रस्ताव को पेश करने की जानकारी रमेश राजा ने खुद भी ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा कि हम हर साल चार देशों, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक T20 टूर्नामेंट के आयोजन का विचार आईसीसी के सामने रखेंगे। यह टूर्नामेंट बारी बारी से चारों देशों में कराया जाएगा। भारत और पाकिस्तान आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप 2021 में भिड़े थे। जी हां, भारत और पाकिस्तान साल 2013 के बाद से सिर्फ आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में ही खेल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान आखिरी बार एक दूसरे से T20 वर्ल्ड कप 2021 में भिड़े थे। उस मैच में भारत को पाकिस्तान ने 10 विकेट के बड़े अंतर से हराया था। तो इन चार देशों के बीच सुपर सीरीज करवाने का प्लान तो काफी शानदार है रमेश राजा का, लेकिन यहाँ पर सवाल है, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या फिर BCCI इस पर राजी होता है या फिर नहीं? अगर ये राजी हो जाते हैं तो हर साल हमें ये सीरीज, शानदार सीरीज देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर इस प्रस्ताव पर राजी नहीं होते तो फिर ये एक सपना ही रह जाएगा। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें।